शाहरुख खान का डुप्लीकेट होना किस शख्स को पड़ा था महंगा? आखिर हम शक्ल होने पर क्या खामियाजा भुगतना पड़ा था? कब रिलीज होने जा रही है बादशाह की पठान? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, शाहरुख खान के देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है। कई लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। शाहरुख खान जहां जाते हैं वहीं पर उन्हें भीड़ देखने को इकट्ठा हो जाती है। लेकिन ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो शाहरुख खान के हमशक्ल है, और उन्होंने इस बारे में बताया कि आखिर शाहरुख जैसा होना क्या क्या दिखाता है और क्या क्या सिखाता है। आपको बता दें, इब्राहिम कादरी जो कि शाहरुख खान के हमशक्ल हैं, उनकी तमन्ना है कि एक बार वो शाहरुख से ज़रूर मिले, और उम्मीद है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब इब्राहिम शाहरुख खान से मिलेंगे। आपको बता दें, इब्राहिम ने इस बारे में बताया कि आखिर शाहरुख खान के जैसा दिखना क्या क्या दिखाता है और उनकी लाइफ उन्हें कैसे जीनी पड़ती है। उन्होंने कहा, मैं कभी भी ऐसा नहीं था जिसने अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया हो, लेकिन अक्सर मेरे परिवार और दोस्तों ने मुझे नोटिस किया और कहा कि तुम बिल्कुल शाहरुख खान की तरह दिखते हो। मेरे पेरेंट्स को इस बात पर गर्व होता था कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो देश के सुपरस्टार से मिलता जुलता है। मैंने बचपन से इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं बिल्कुल शाहरुख खान की तरह दिखने लगा। शाहरुख खान के फैंस की तरह इब्राहिम को भी ढेर सारा प्यार मिला और उन्होंने पोस्ट में इसका किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, शाहरुख खान की फिल्म रईस के दौरान लोग आकर मेरे साथ सेल्फी लेने लगे। उन्हें लगा कि मैं किसी प्रीमियर के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक और वाकया बताया जिसमें कि वो KRK यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के एक मैच को देखने गए थे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ कि वो खुद ही परेशान हो गए क्योंकि फैंस ने उन्हें बहुत बुरी तरह से घेर लिया था। इसके बाद तो एक ने टी शर्ट खींच ली और बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले ने उन्हें बचाया, और बाद में पुलिस ने कहा, सर एक सेल्फी हो जाए। तो इस तरह के वाकया शाहरुख खान के हमशक्ल ने शेयर किए। शाहरुख खान के हमशक्ल ने कहा कि कई बार मुझे मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि लोग मुझे घेर देते हैं और कई बार मैं इंजर्ड भी हो जाता हूँ। वहीं शाहरुख खान के फैन ने कहा कि मैं SRK से मिलना चाहता हूँ, उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से मेरी रोजी रोटी भी चलती है। शाहरुख के इस हमशक्ल को बहुत सारे इवेंट्स में बुलाया जाता है। वहीं दोस्तों, शाहरुख के इस हमशक्ल ने कहा कि मैं अपनी भी एक पहचान बनाना चाहता हूँ, लोग मुझे एज अ इब्राहिम भी जाने, ये मैं चाहता हूँ। वहीं दोस्तों, पठान की बात करें तो शाहरुख खान बहुत सालों बाद कमबैक करना चाह रहे हैं इस फिल्म से, और इस फिल्म में एक रॉ एजेंट बने हैं। इस फिल्म में उनके साथ होंगी दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और सलमान खान। तो अब देखना होगा पठान से कितना बड़ा तहलका मचाएंगे शाहरुख। आपको कितना इंतज़ार है पठान का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।